मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए फिर से याद आ गया है डोसा, एकदम अच्छा दिखा दिखा के पका दूंगी मैं आपको। और ये आ गया है अर्नव, और बाहर आ गई है, में बदमाशी करता है, मुझे मजा आता है। हाँ, और बाहर आ गई है ब्रेड, देखो कैसे क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बन रहा है भाई यहाँ पे। क्या क्या बोला, क्यों क्या करो क्यों ले लो, मसालो लगा सैंडविच बना दिला। एक पैकेट ले ले एक। तो अभी हम बना रहे हैं डोसा और बच्चे लेने गए हैं ब्रेड। बोलो पहले तो मेरे से डोसा बनवा लिया कि मम्मा भूख लग रही है, ठीक है डोसा बना दो हमें, नाश्ता कर ले, और अब वो ब्रेड लेने गए हैं। ये भी कोई बात हुई तो चलिए बच्चों को ब्रेड भी सेक देते हैं। तो वीडियो ऑन कर दिया, मतलब व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं क्या क्या होता है आज। बनवाया इन्होंने डोसा और खा रहे हैं ब्रेड, हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो डोसा किसके लिए बनाया था मैंने, और क्या गणगण हो रहा है तेरा। मैंने टेबल से खा है, उसको बिट्टू को भी सिखा देना टेबल टेबल सारी। तो पढ़ाई पढ़ाई खेल लो, और पढ़ाई पढ़ाई में सारी उसको टेन टेन तक सिखानी है, टू से टेन है ना, खाओ और एंजॉय करो। तो ये कितनी बुरी हो रही है मेरे में देखो, है इसमें वाईफाई नहीं, कल तो पकड़ लिया, कल का वीडियो मैंने डाल दिया था, आज चारों तरफ मैं ऊपर के रूम में बालकनी में सब जगह घूम के आ चुकी हूँ, चक्कर काट चुकी हूँ, लेकिन वाईफाई नहीं पकड़ रहा। और वीडियो अपलोड करना था मुझे, लेकिन वाईफाई नहीं पकड़ रहा, अब क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ घूम लिया मैं, तो हॉल में आके सोफे पर लेट गई कि पकड़ेगा तो ठीक है, वरना फिर वहाँ पर घर जाके वहाँ पे ही डालूंगी, वहाँ का वाईफाई पकड़ लेता है, यहाँ पे पकड़ेंगे। एक्चुअली पुलकित ने क्या ऑफिस में लगा रखा, ऑफिस है घर के उस तरफ, मतलब है तो एक ही वो दीवार तो, लेकिन वो उस तरफ है तो वो पकड़ ही नहीं रहा, उसकी रेंज ही नहीं आ रही पता नहीं। उसके रूम में टीवी चल रहा है अच्छे से, बच्चे टीवी इंजॉय कर रहे हैं, टीवी वाईफाई से चल रहा है मस्त, लेकिन फ़ोन और लैपटॉप में पकड़ नहीं रहा है, सही नहीं क्यों, कल पकड़ लिया था आज नहीं पकड़ रहा, ये हो रहा है मेरे साथ, क्या करें। अनवी देखो क्या उठा के लाई है, और सब्जी वाला आ गया बीच में, इतना बड़ा थी इसको भी चाहिए इतना बड़ा। इसका नाम ना मोटू राम है, तन्वी का प्यारा दोस्त है, मुझे भी ऐसा एक तेरी से ये पिंक वाला। मेरे को तो डर लगी, मेरे को तो डर लगता है भाई, रात में चल पड़े तो ये है, रात में ये चल पड़े तो है, ऐसे चल के आ जाए, जब ये आया था ना क्या कर रहे हो, हमें भी इससे डर लगता था। हेलो मेरा नाम है मोटू राम, क्या कर रहे हो। हेलो मेरा नाम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को तो मेरी तरफ में देखो, मेरी तरफ में देखो, मैं हूँ। तो फाइनली मेरा वीडियो अपलोड हो गया, पुलकित के वाईफाई से, मुकेश के वाईफाई से, सब जगह सब सारे वाईफाई ले लिए मैंने, और अपना वीडियो अपलोड कर दिया आखिरकार। और ये एक एडिटिंग पे भी डाल दिया है, वर्किंग सो हार्ड, बिंदु दो कितने बड़े लगाई है मैंने आज ना मम्मा ने अपने इस जिससे मम्मा वीडियो बना थी ना उस फोन का कवर निकाल दिया, पहले वो इतना मोटा वो इतना पतला सा पर वो प्रोटेक्ट करता है इसको, गिरा देते हैं बच्चे। हालांकि ये मेरा फोन मैं किसी को देती नहीं हूँ, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल फोन है। तो चलो करती हूँ मैं एडिटिंग। ये दोनों मेरी मम्मी बनी हुई है, और मैं डांट डांट के बाल बना रही है। ये तो खुद ही तू उलझ, मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में तू ही उलझ जाएगी इन बालों में, जिस तरीके से घूम रही है, हैं अरे गोल गोल घूम घूम के तू बाल बना रही है मेरे, तो खुद ही उलझ जाएगी इनमें। कहाँ बंद हो गया वो, छत पे बंद कर दिया किसी ने। मैं ले आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट, डोसा चटनी और चिले की कड़ी, चिले की कड़ी बनाई है भाभी। तो बिना नहाए ही अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो नहा लेंगे आराम से, क्या जल्दी है ना, चलो एंजॉय करते हैं नाश्ता। तो देखो ये ब्लाउज, ये चुन्नी के ना उसका काट लेंगे, और ये जो बाजू का है ना, मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लाउज वाले खोल लूँ, तो ये बाजू के मेरे कुर्ते के लग जाएंगे ना, तो अभी मैं ये खोलने बैठ गई हूँ, खोल के फिर ये अलग से ही दे आऊँगी उसको, तो मेरा कुर्ता हो जाएगा। और कल मैं यहीं पर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कल ही दे के आ जाऊँ, तो ये कुर्ता करवा लेंगे हम। तो मैं अभी डिज़ाइन देखूंगी, एक्चुअली मैं स्लीव्स का समझ में नहीं आ रहा है, इस पर ना ये वर्क है ऐसा,
ये वर्क है ना, नीचे तो ये पूरा आएगा, फिर लेस लग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़ा तो बचेगा ही, तो ये वर्क करवाऊँ स्लीव्स पे या फिर ऐसे प्लेन रखूँ, वो थोड़ा सा मैं अभी सोच रही हूँ। देखते हैं डिज़ाइन, देखते हैं कुछ क्या। हाँ रैबिट, ये तेरे जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। बड़े हैं बना लू। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, नया कुर्ता पहन लिया है, नया दुपट्टा, और अब हम जा रहे हैं बाहर। हाँ क्योंकि कुछ काम है नानी को, और मैं ये वाला दुपट्टा लेकर जा रही हूँ, इसका मैं लेकर आऊंगी फ्लैगिंग। हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या, नहीं नहीं हाँ ठीक है ठीक है, रख दो रख दो रख दो, बेडशीट ठीक करो। मौसम हो रहा है एकदम मस्त मस्त, और मैं और मम्मी चले हैं शॉपिंग। देखते हैं ढक ले तो तेरे सिर। तो देखते हैं क्या क्या लाते हैं। इन दिनों मेरी चार जोड़ी चप्पलों की टूट गई है, इसलिए चप्पल की जोड़ी लाऊंगी। एक तो घर में पहनने के लिए भी नहीं है मेरे पास, सारी टूट गई, तो चप्पल लाएंगे और देखते हैं। चलो तो गाइस हम आ गए शॉपिंग करके, और आते वक्त बारिश आ गई, मेरे चश्मे पे देखो पाइपर लगाने की जरूरत है, सब कुछ गीला हो गया, दुपट्टे उपट्टे सब। और अब पहले तो चेंज करेंगे, फिर पानी पीऊंगी, खूब सारा प्यास लग रही है। और क्या शॉपिंग करके लाए वो हम दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले मैं चेंज कर लूँ, है ना। तो ये देखो ये शॉपिंग करके लाए हम, तो मम्मी ने दिलाए ये सूट, एक तो ये वाला, इसके नीचे स्ट्रेट पैंट है ऐसी, और ये कुर्ता, ठीक है। एक ये वाला सेट है ना, इसके नीचे भी स्ट्रेट पैंट है। तो ये ऐसा सा मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा गर्मी में लाइट लाइट अच्छा लगता है। दो मैं ऐसे सिंपल कुर्ते लाई हूँ, मतलब मम्मी ने ही दिलाए हैं, बट लाए हैं ये वाले। तो ये तो ज़्यादा महंगे नहीं थे, सस्ते सस्ते हमें मिल गए चलते चलते ऐसे ही, तो ये दो मैंने खरीद लिए। और चप्पल लेकर आई हूँ, हालांकि मुझे बहुत जैसी मैंने सोची थी वैसी तो शॉप ही नहीं मिली मुझे, पर ये चलते फिरते मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा कि चलो एक तो ले लेती हूँ, बाद में चलाऊँ चप्पल मैं शायद बाटा स्टोर से लाऊँ। तो ये तो मैं मतलब मेरा सामान हो गया, ठीक है। तो मम्मी चूड़ा चप्पल सब मायके का होता है ना, इसलिए चूड़ा चप्पल सब दिलाया, और इस बार छुट्टियों में मैं नहीं आई थी ना, इसलिए मम्मी ने ये सारे कपड़े दिलाए हैं। इसकी मैं लेगिंग लेने गई थी, तो ये वाला कलर मिला है ना, तो मम्मी बोल रही है एक सूट ये हो जाएगा, सिलाई मैं दे दूंगी इसकी, और लेगिंग ले ले और पूरा सूट हो जाएगा। वैसे तो मैच हो ही रहा है फोटो में, तो मतलब रियल में वैसा नहीं है कलर, बट कैमरे में सेम ही लग रहा है दोनों का। और मम्मी लाई है साड़ियाँ, तो ये देखो एक जैसी हुई साड़ियाँ लेकर आई है मम्मी, कलर डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ये तीन कलर, तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर में एक जैसी साड़ियाँ ले आई है, वो उसको इतनी पसंद आई है तो ये लाई है, और एक ये वाली। तो ये सारी मम्मी लेकर आई है ना, और ये मेरे हो गए। तो आज की शॉपिंग हो गई, और यही करनी थी एक्चुअली, चूड़ा तो शिल्पा, एक्चुअली चूड़ा भी ना इसी कलर का है। चप्पल चप्पल जी चूड़ा जाएंगी, चप्पल ही आई। तो चूड़ा मेरा यही कलर का है, तो मैं चप्पल में चूड़े के कलर की ले आई हूँ पी आई में। तो हो गई शॉपिंग, आ गए भीग भाग के पूरा बारिश में, अब सोएंगे, मेहंदी के नाखून करेंगे और सोएंगे। हाँ मेहंदी के नाखून फिर सोएंगे। सामान सारा रख दिया अंदर, और अभी मेहंदी के अच्छा हाँ, तो मैं रात में लगाऊंगी, तो मैं रात में करूँगी नाखून। पहले तो क्या था, मैं शाम को जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा दोपहर में कर लूँगी, अब मैं कल जाऊँगी इसलिए फिर रात में ही कर लूँगी। मुझे क्या काम है, मुझे क्या करना है, मैं रात में खाना वाना खा के फिर लगा के सो जाऊंगी।
अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है, अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, ठीक है? ठीक है, सोते हैं अभी। तो देखिए फाइनली मैंने इसको पूरा कर ही लिया। ये एक्चुअली इधर इस साइड ये ना ये नहीं था लेस, तो मैंने वो कट करके और इसके लगा दी। अब ये चारों तरफ से लेस हो गई और एक कंप्लीट दुपट्टा बन गया। अदरवाइज ये ऐसे अधूरा अधूरा लग रहा था। दोनों साइड पे मैंने मतलब एक साइड तो था ही पल्लू पे, एक साइड जहाँ से वो साड़ी में से काटा था ना वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे भी मैंने लगा दी। ये इस तरीके से हो गई ना एकदम मस्त वाली चुन्नी मेरी, मज़े आएंगे। और वो ब्लाउज ओपन करना है मुझे, वो मम्मी दे रही है अपनी साड़ी तो वो करूँगी। और मैं छोटी वोटी बना के एकदम तैयार, कमर दुखती इसको लेस को लगाते लगाते, क्या करेंगे। तो देखो भाभी ने ना टेस्टी टेस्टी पनीर के पराठे बनाए हैं। तुरई की सब्जी बनी थी डिनर में और लहसुन चटनी है, तो पनीर के पराठे, एक्चुअली दूध फट गया था तो पनीर बन गया और उसके भाभी ने पराठे बना दिए। अदरवाइज तुरई की सब्जी और रोटी बनने वाली थी, बट अब पनीर पराठे खाएंगे। तो बस आज का डिनर यही है और मैं ये इंजॉय करने वाली हूँ और फिर लगाऊंगी अपने मेहंदी, मतलब नाखून करूंगी, क्योंकि कल है हमारा चौथ का व्रत। तो ये वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।